हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन अ न्यू वीडियो। होप आप लोग सभी अच्छे हो गए और अगेन आप लोग को मैं हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहता हूँ एंड वेलकम इन 2023। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हो गए और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अगर पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है तो अच्छी करो, क्योंकि प्रीलिम्स ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 4 मंथ ही बचे हुए हैं। सो अच्छे से स्टार्ट कर दो। और आज काफ़ी लंबा टाइम होने वाला है, मेरा काफ़ी लंबा टाइम लाइब्रेरी में गुजरने वाला, बट स्टार्ट करते हैं यहीं से, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और होप आपको वीडियो अच्छा लगे। और एक और स्टेट्स है, मैं एक स्टेट दिखाता हूँ, 97% पीपल हु आर वॉचिंग माई वीडियो, जो भी मेरा वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं। तो होप आप लोग को स्टेट से दिख रहा होगा, तो प्लीज़ अगर ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ऐसे ही थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहनी चाहिए। सो अगर ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक करो और कमेंट जरूर करके बताना कि आपका इस वीडियो को लेकर क्या रहा है, और अपना फीडबैक जरूर दो। सो स्टार्ट करते हैं। हम 3 घंटे का करने वाले हैं, 3 घंटा इस इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। अभी तक मैंने जो पढ़ा हुआ था उसको रिवाइज किया था, बट अभी इसके आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो पढ़ा हुआ था रिवाइज कर चुका हूँ एंड अभी भी इसमें कुछ काफ़ी बचा हुआ है, तो 2-3 दिन का बचा हुआ है, तो शायद कम्प्लीट हो जाए, तो इसको स्टार्ट करते हैं। 3 घंटे का इसका शेड्यूल लगते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। रिवीजन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पढ़ना। आप जितना भी पढ़ रहे हो अगर रिवाइज नहीं करोगे तो कोई सेंस नहीं बनता उसके आगे पढ़ने का, क्योंकि आप पीछे का जो भी पढ़ के आगे बढ़ चुके हो वो भूल जाओगे। तो ये चीज़ें आप अपने माइंड में रखो कि व्हाटएवर जो भी पढ़ रहे हो आप उसको 1 वीक बाद या 10 दिन बाद उसको रिवाइज करते रहो, तभी आप उसको बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज आप जो भी पढ़ के आगे बढ़ रहे हो सब भूल जाओगे, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है आपका कंट्रोल ही नहीं रहेगा उस पॉइंट पर। 3 घंटे मैंने इकोनॉमिक्स अभी किया है, उसके बाद अभी लाइब्रेरी जाऊंगा, बट अभी बहुत ठंड है यार बाहर, तो निकलने की इच्छा नहीं हो रही है, बट एक शेड्यूल अपना कंप्लीट कर लिए हैं, अब उसके बाद देखते हैं, यहाँ पढ़ने की इच्छा हो गई तो यहाँ पढ़ लेंगे, अदरवाइज लाइब्रेरी चलेंगे। सो दिस इज माई लंच और बहुत ठंड है यार, बता ही नहीं सकता, तो लंच कर लेते हैं फटाफट। सो जब भी टाइम मिले पढ़ा करो, और ठंड इतनी ज़्यादा है यहाँ से कि निकलने की इच्छा नहीं हो रही है, तो अपन ने डिसाइड किया कि रूम पे ही पढ़ते हैं, बस देखते हैं कि जब इच्छा होगी तब लाइब्रेरी जाएंगे, पर जब तक हैं यहाँ पे तो भूख लगी तो कुछ खा लेते हैं और साथ में पढ़ते भी रहते हैं। ठंड इतनी ज़्यादा है कि मुझे लाइब्रेरी जाने के लिए सोचना पड़ रहा था, इसलिए मैं सोचा कि लंच कर लेता हूँ और उसके साथ थोड़ा बहुत पढ़ भी लेता हूँ, अदरवाइज वहाँ जाके पढ़ना ही है, बट जितना टाइम यहाँ पे है वेस्ट नहीं करना, प्रोडक्टिव निकले, तो अभी जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक कुछ ना कुछ पढ़ लेता हूँ, उसके बाद लाइब्रेरी जाके अपनी आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सो PW यूनो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है और इट इज स्टार्टेड बाय अलक पांडे सर, और इनका मोटो यही था कि गांव-गांव रूरल एरियाज में और जो छोटे छोटे एरिया जहाँ पे एजुकेशन पहुँच नहीं पाता वहाँ पे पहुँचाना, और उनके रेट के हिसाब से, क्योंकि उनके पास बहुत सारे पैसे नहीं होते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उस हिसाब से कि उनको एजुकेशन मिल सके बहुत ही कम रेट में, तो उनका ये मोटो था, ये मिशन था, और उसी के वजह से शायद वो इतना आगे बढ़ चुके हैं और इंडिया का आज लीडिंग प्लेटफॉर्म है एजुकेशन सेक्टर में अगर आप देखा जाए इसको तो, और बहुत सारे कोर्सेज भी आपको प्रोवाइड कराता है, वेरियस एग्जाम के जो भी NDA होता है, नीट होता है, या जो भी IIT, तो बहुत सारे एग्जाम के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे इन्होंने UPSC वाला भी स्टार्ट किया, UPSC के लिए कोर्सेज भी स्टार्ट किया, 3-4 बैचेज जो स्टार्ट किए मैं बता देता हूँ आप लोग को, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही कम रेट में, क्योंकि यूनो के एफर्ट नहीं कर सकते जितना ऑफलाइन कोचिंग की जो डिमांड होती है, हम एफर्ट नहीं कर सकते, तो आप लोग को इसको एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। जैसे अभी रिसेंट में स्टार्ट हुआ था प्रीलिम फोकस बैच 2023 और बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, और उसमें और उसका रेट अब 4199, बहुत ही कम रेट में स्टार्ट हुआ है, तो आप एक बार जाके जरूर देखो, क्योंकि प्री भी नजदीक आ रहा है, और उसके साथ साथ और भी जो कोर्सेज हैं मैं मेंशन कर दिया हूँ, जैसे प्रहार बैच था और भी जो बैटर टाइटन बैच है उसके भी रेट काफी मिनिमम है, तो आप लोग बिल्कुल इस मौके को फायदा उठाओ और अभी जाके परचेस करो, और इसके बहुत सारे फायदे हैं, साथ साथ ऑप्शनल बैच भी चल रहे हैं, ऑप्शनल बैच में यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ आप लोग को, आप एक बार देख लो, ऑप्शनल बैच है, 2-3 कोर्सेज है, मैं वो भी मेंशन कर चुका हूँ, और इतने कम रेट में है, तो जो लड़के अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत ज्यादा रुपए किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाके ऑनलाइन, तो आप ये खरीद लो, और अगर आपसे रियली सीरियस हो तो मेरे हिसाब से तो ये आपको परचेस कर लेना चाहिए। तो जो इनका मंथली मैगजीन जो आ रहा है जिसका नाम है मंथन, वो बहुत ही अच्छा है, मैंने देखा है, मैंने पढ़ के भी देखा है उसको, और कंपेयर भी किया दूसरे मैगजीन से, काफी अच्छा, और हिंदी और बाइलिंगुअल में जो लैंग्वेज में भी मिल रहा है,
तो आप एक बार जरूर देखो, करंट अफेयर्स अगर आप करना चाहते हो तो एक बार मैगजीन इनका जरूर आप चेक करो, मार्केट में अवेलेबल है, आप जाके परचेस करो। देखो मैंने खुद देखा, मंथन नाम से है, मैं मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ही अच्छा है। तो आप एक बार जरूर जाके इसको पढ़ो। इसको परचेस करने के लिए मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, आप जाके उस लिंक पे क्लिक करो और मेरा कूपन कोड यूज करो NEE500, आपको इंस्टेंट 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो लेट मत करो, इंस्टेंटली आप जाके परचेस करो इसको। दिस इज माई थर्ड सेशन और एक काफी प्रोडक्टिव डे जा रहा है मेरा, और मे बी मैं रात तक पढ़ूंगा आज। सो काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे, तो अभी इसके बाद मैं ब्रेक लूँगा और उसके बाद बाहर जाऊँगा, थोड़ा सा घूम के आऊँगा, क्योंकि ब्रेक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पढ़ना है, क्योंकि आपकी बॉडी को थोड़ा सा चाहिए मूवमेंट। तो अभी पढ़ के बाहर जाता हूँ, घूम के आएंगे, देन अगेन स्टार्ट करेंगे। दिस इज बुक स्टोर और ऐसे बहुत सारे बुक स्टोर है जहाँ पे आपको कुछ भी चाहिए, बुक चाहिए, टेस्ट पेपर चाहिए, जो भी चाहिए यहाँ पे इजीली मिल जाता है। तो एक फ़ायदा तो होता है वारन में रहने का, जो भी रिक्वायरमेंट होती है आपकी एग्ज़ाम के रिकॉर्डिंग, आपको हर एक चीज़ मिल जाती है। सो हमें खाने की इच्छा हो रही थी गुलाब जामुन, तो हमें एक स्टॉल दिखा, हमें यहाँ पे आ गए गुलाब जामुन खाने। और काफ़ी टाइम बाद, वैसे मैं मीठा तो अवॉइड करता हूँ बट मेरा फेवरेट पार्ट है, बट सोचा कि चलो आज खाते हैं, मैं और भैया आए खाने के लिए। सो दिस इज ऑल अ फन, होप यू लाइक इट, और बहुत टाइम बाद में इंजॉय कर रहा हूँ इसको। तो कभी कभी चलता है, कभी कभी इंजॉय। ओल्ड राजेंद्र नगर में शाम में निकल जाओ और क्राउड देखोगे तो लगेगा आपको कि क्या ही मार्केट है यहाँ पे। आप जहाँ तक देख सकते हो जैसे लगता है कि मार्केट लगा हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द 95% सब स्टूडेंट ही हैं जो UPSC मेनली UPSC की यहाँ तैयारी करते हैं। सो एक मार्केट से कम नहीं है, मोस्ट ऑफ देख सकते हो जहाँ तक आपकी नज़र जाए स्टूडेंट। सो एक माहौल भी अच्छा है यहाँ पे, एंड ये भी देखो बुक स्टोर, बहुत सारे ऐसे बुक स्टोर है, माहौल भी है, लोग पढ़ते भी हैं अच्छे से, तो आप मोटिवेट भी होते हो, लेकिन ये कह सकता हूँ थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन भी है यहाँ पे। तो सबका अपना अपना है कैसे चीज़ों को डील करते हैं यहाँ पे, बट ओवरऑल बहुत अच्छा जगह है। डिनर करने के बाद मैं वापस लाइब्रेरी आ गया पढ़ने के लिए, और ठंड इतनी ज़्यादा थी मुझे हुडी डालना पड़ा, क्योंकि उस जैकेट से मेरा काम चल नहीं रहा था, तो मैंने हुडी डाला और वापस लाइब्रेरी आ गया पढ़ाई करने के लिए। और स्टिल इकोनॉमिक्स ही कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने बताया है कि ख़त्म करना है मुझे, टेस्ट देना है इसका भी, तो जब तक ये होगा नहीं तब तक मैं किसी और स्विच नहीं करूँगा, तो रिविज़न ऑलमोस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद अभी जब होने के बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, देन इट विल बी फाइन। अभी मैंने बैंकिंग कर लिया है रिवीजन, और अभी मुझे उसके क्वेश्चन करने हैं, 2-3-4 पेज हैं, और देखते हैं कितना टाइम लगता है इसमें। अभी टाइम देख लेते हैं, टाइम कितना हो रहा, टाइम 2:13 हो रहा 6। तो अभी मुझे क्वेश्चन करने हैं, चैप्टर तो हो गया है मेरा, बट क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है कि आपको कितना आ रहा है। तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं फिर देखते हैं। पूरी लाइब्रेरी खाली हो चुकी है। कोई नहीं है, सो अपना भी बस क्वेश्चन बचा है, और कैसा दिख रहा है सब बुक्स, सभी ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का और बचा हुआ है पार्ट, क्वेश्चन करेंगे फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। अभी देख सकते हो पूरी लाइब्रेरी खाली हो चुकी है, बस मैं ही बचाऊँ, तो मे बी 3:30 या 4। तो अभी आज के लिए रूटीन हो गया है रात को लेट तक पढ़ना, तो ख़त्म करते हैं फिर चलते हैं। बट थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ यार, क्योंकि थोड़ा सा सर्वाइकल इशू लग रहा है मुझे होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते ना ऐसे सर झुका के पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ थोड़ा सा नेक का इशू हो जाता। बट अभी थोड़ा सा ब्रेक लेके थोड़ा सा फिर बैठेंगे। दिल्ली का थोड़ा वेदर चेक करते हैं इस टाइम, क्या टेम्परेचर है, वेदर कहाँ है इसमें भाई, दिख नहीं रहा, सर्च कर लेता हूँ।
शिट इसमें है ही नहीं वेदर, डाउनलोड कर लेता हूँ फटाफट। तो अभी मैं जाता हूँ थोड़ा सा बाहर वॉक करके आता हूँ, क्योंकि यार कमर पेन स्टार्ट हो गया है, तो थोड़ा सा घूम के आता हूँ। काफ़ी टाइम जब आप सिटिंग करते हो, काफ़ी टाइम बैठते हो, तो बीच बीच में आपको वॉक कर लेना चाहिए। कोई ना कोई तो दिखे जाता है। आगे नहीं जाएंगे यार, क्योंकि अभी भी पढ़ना है, थोड़ा 5-10 मिनट वॉक कर लेते देन वापस लाइब्रेरी, क्योंकि ज़्यादा आगे जाएंगे तो यार काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा और टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा। तो थोड़ा सा वॉक यहीं कर लेते हैं, फिर वापस चलते हैं लाइब्रेरी ख़त्म करते हैं। बहुत ठंड है, ख़तरनाक, अभी काफ़ी होने लगा, देखो फॉग, काफ़ी फॉग होने लगा। रात भर खुला रहता है, कुछ खाना होता है तो खा लेते हैं यहाँ से। अंधेरा भाई, इसको अलग ही चुल मची है रात में, भूखे जा रहे, सताया वो हो गए भी। अभी आगे नहीं जाएंगे, वापस लाइव आ गए, क्योंकि अभी भी अपना काम बाकी है, तो पहले काम को कंप्लीट करते हैं फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो जो भी आप पढ़ रहे हो उसको आप कैसे एनालाइज करोगे कि आप कितना समझ आ रहा है आपको, और जो भी आप पढ़ रहे हो उसको सिंपल सा है कि आप टेस्ट दो, हर 10 दिन बाद 15 दिन बाद आप टेस्ट दो, और हर दिन उसका 5 या 10 क्वेश्चन आप किया करो, जिससे आपको ये तो रियलाइज़ हो जाएगा कि आप जो पढ़ रहे हो, जिस डायरेक्शन में पढ़ रहे हो, जो आपका तरीका सही है या नहीं है। अदरवाइज आप पढ़ते चले जाओगे गधे की तरह और कुछ चीज़ें आपके दिमाग में घुसेगी नहीं, तो फिर क्या ही मतलब उतने मेहनत करने का। तो जो भी आप पढ़ रहे हो उसको टेस्ट दे के देखो कि आप कितना कवर कर पा रहे हो, कि आपको समझ आ रहा है। PYQ लगाओ, सबसे बेस्ट तरीका है, PYQ लगाने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा। तो अभी तक का मेरा शेड्यूल कम्प्लीट हो गया, मैंने टेस्ट जितना मुझे लगाना था, क्वेश्चन अटैम्प्ट करना था, मैंने कर लिया, और अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ। काफ़ी ठंड भी हो रही है, तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 3 बज चुके हैं, और 3 से ज़्यादा ही हो रहा है, एक बार टाइम देख लेते हैं, 3:18 हो रहा है। तो अब यहाँ से निकलते हैं और जाते हैं रूम, क्योंकि जाते जाते सोते सोते मुझे 4 या 4:30 हो जाएगा, क्योंकि फिर से कल से वही शेड्यूल फॉलो करना भी फिलहाल। तो अगेन आज के ब्लॉग में इतना ही था, आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोशिश करता हूँ कंसिस्टेंट रहूँ। So thank you so much for watching this video, hope you like it.